देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं, उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। Protesting because the provisions of the constitution have been violated. Constitution have been violated by Narendra Modi government. The way the pro tem speaker has been appointed is a clear violation of the constitutional provision and clear violation of the precedences, earlier precedences. There are some other neat issues. These are all the issues are there. They are violating the constitution. Even the things have what have been cropped up. The present minister, education minister, was earlier education minister. He should take the responsibility and resign from the post itself. Nehru, we are opposing BJP's efforts to destroy the constitution, to amend it beyond recognition. संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। देखिए, ये नए-नए तर्क निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उस पूरा उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते, तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही एक सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को एक उनके एक महत्वपूर्ण एक समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है। धन्यवाद।